सर जी, सर क्या कहना चाहते हैं जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जय हिंद, मैं श्यामलाल गुप्ता, चेयरमैन एनजीओ एंटी क्राइम ब्यूरो। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आप सब मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो अपना कीमती समय निकाल के जहां मुझे कवरेज करने के लिए आए, और आपके द्वारा मैं जो जनता को भी संदेश देना चाहता हूं और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर है, सबसे पहले जो ऑर्डर निकाला था वो निकाला था कि शराब की दुकानें जो हैं वो 500 मीटर की दूरी पर होंगी, लेकिन उसके बाद 200 मीटर कर दिया, फिर 100 मीटर पर कर दिया। अब जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, एक्साइज डिपार्टमेंट को दिया है, नोटिस आया है, कॉपी दी है, उन्होंने कहा है कि शराब की जो दुकानें हैं वो 50 मीटर के दायरे के बाहर होनी चाहिए। हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट 50 मीटर दूर पर दुकानें रखे, जो नया ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है ये ग्राउंड पर लागू हो, नॉट के एयर में लागू हो। जो बिल्कुल 50 मीटर दायरे के अंदर दुकानें हैं शराब की, उनको बंद किया जाए। बहुत सी जगह पड़ी है शराब की जो दुकानें हैं वो जो दूर करनी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से दूर की जाए, मंदिरों से दूर की जाए। और इन चीजों को देखते हुए जो हम कहते हैं कि जम्मू जो है वो मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों का शहर होने के नाते जम्मू में सबसे ज्यादा दुकानें खुल रही हैं शराब की। अगर खुली हैं तो उनको 50 मीटर के दायरे पर बाहर रखा जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है एक्साइज डिपार्टमेंट से, हम चाहते हैं कि दुकानें जो है वो बाहर खुले। सर, एक तरफ जो प्रशासन है वो नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, दूसरी तरफ शराब की दुकानें जो है लगातार खोल के जो है वो इस तरीके से नशे को बढ़ावा दे रहा है, किस तरीके से सर देखते हैं इसको आप? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शराब की दुकानें जो हैं वो कम से कम खोली जाए, शराब की जगह एजुकेशन सेंटर पर फोकस किया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। हालांकि शराब जो है वो ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, लेकिन जितना हो सके इतना कम किया जाए। जैसे कि जम्मू डिवीजन में शायद मेरा ख्याल है कि दुकानें ज्यादा है, कश्मीर डिवीजन में दुकानें कम है, वहां पर एजुकेशन सेक्टर खुले जा रहे हैं, और जहां पे शराबों की दुकानें खोली जा रही है वो भी मंदिरों के साथ। सर, अभी शराब की दुकानों पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई है, जो क्षेत्र के लोग हैं वो इस चीज को लेकर काफी नाखुश है। किसी का जो रेट है वो दुकानदारों ने सही रेट पर शराबी जो है वो बेचनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से रेट लेना चाहिए। इन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनके लाइसेंस जो है सस्पेंड करने चाहिए। सर, काफी वीडियो वायरल होती है, आए दिन हम देखते रहते हैं, मगर कहा जाता है कि जो रेट है वो काफी ज्यादा होते हैं, जो अगर बोतल का अगर रेट की बात की जाए या क्वार्टर की बात की जाए उसका रेट 90 रुपए है, उसका 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है, उसके क्या कहना है? हम यही एक्साइज डिपार्टमेंट से कहेंगे कि इसको जितना भी है रेट है, तो उन दुकानदार जो ब्लैक में पाइन बेचता है उसको मतलब उसका लाइसेंस जो है सस्पेंड किया जाए। जैसे गवर्नमेंट का एम्प्लॉई या कोई नहीं काम करता अच्छा, तो उसको गवर्नमेंट के सीनियर अफसर उसको सस्पेंड करते हैं, वैसे ही वो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है एक्साइज डिपार्टमेंट के पास, उनके लाइसेंस जो है सस्पेंड कर सकती है, वो सस्पेंड करे। सर, लोग नाखुश है, फिर क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है बार-बार शराब की दुकानों? नहीं, शराब की दुकानें जो रेवेन्यू के लिए ही होती है, मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि सरकार को रेवेन्यू जाता है, चाहे लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम की बात करें, जम्मू और बिश्नाह की बात भी करूंगा इसमें, सर स्कूल है गवर्नमेंट बिल्कुल साथ में, जो शराब की दुकानें खोली गई हैं उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि अभी बिश्नाह में ही क्षेत्र में देखा जाए अगर, तो जो वाइन की शॉपें हैं वो बिल्कुल नजदीक हैं, मंदिरों के साथ नजदीक हैं, एजुकेशन सेक्टर के पास हैं और हेल्थ सेक्टरों के पास हैं। इन चीजों से मतलब बाहर रखा जाए, इनको 50 मीटर के दायरे से बाहर रखना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो हैं, आने वाला भविष्य है हमारा, वो खराब ना हो। मैं यही एक्साइज डिपार्टमेंट से प्रार्थना करता हूं। शराब की दुकानों को लेकर काफी महिलाएं भी रोड पे आई, बिल्कुल ठीक है ना, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? हम एक्साइज डिपार्टमेंट से यही कहेंगे कि जितना कम हो सके इतनी कम दुकानें खोलें, ये ठीक है आपको रेवेन्यू आता है लेकिन कम से कम खोलें,
ये हमारी रिक्वेस्ट है एक्साइज डिपार्टमेंट से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।